दिगरा शहर में नगर पालिका के अधीन प्राथमिक स्कूलों की दुर्दशा चिंता का विषय बनी हुई है। शनिवार को इन बीसीएन ने शास्त्री नगर की शाला नंबर 6 की दुरावस्था को कैमरे में कैद किया है। पेश है जनप्रतिनिधियों और पालिका के शिक्षा विभाग की उदासीनता का उजागर करती जुबैर खान की एक खास रिपोर्ट। ये शास्त्री नगर में स्थित मराठी प्राथमिक शाला नंबर 6 है, जो इन दिनों अपनी बदहाली पर रो रही है। यहाँ कई तरह की असुविधाओं की भरमार है, जिसका खामियाजा न सिर्फ यहाँ के विद्यार्थियों को बल्कि शिक्षक और मुख्याध्यापक को भी भुगतना पड़ रहा है। इस स्कूल में फिलहाल पहली से चौथी कक्षा तक कुल 42 विद्यार्थी है, जिन्हें पढ़ाने के लिए केवल 2 शिक्षक नियुक्त किए गए हैं। इस स्कूल की पुरानी इमारत जर्जर हो चुकी है। ऐसा लगता है मानो ये इमारत अपनी आखिरी सांसें गिन रही है। यहाँ शालेय पोषण आहार का काम करने वाली महिला कर्मचारी अपनी जान जोखिम में डालकर इस जगह काम करती है। ये इमारत कब दम तोड़ दे और कब मलबे में तब्दील हो जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। इस संबंध में शाला प्रबंधन समिति और खुद मुख्याध्यापक ने पालिका मुख्याधिकारी से कई बार पत्राचार किया, लेकिन अब तक कोई सकारात्मक जवाब या ठोस पहल के कोई संकेत नहीं मिले हैं। इस स्कूल की एक नहीं अनेकों समस्याएं हैं, जिसके बारे में यहां कार्यरत शिक्षक तथा मुख्याध्यापक विशाल कुलकर्णी ने इन बीसीएन को जानकारी दी है। आइए सुनते हैं। या ठिकाणी जी जुनी इमारत आहे बांधकाम केलेली ती मोडकळीस आलेली आहे। विद्यार्थ्यांना त्या ठिकाणी राहण्यायोग्य नाही आहे असं निवेदन शाळा व्यवस्थापन समितीने जूनमध्येच दिलेलं आहे आणि शाळा व्यवस्थापन समितीला वाटतं की ही इमारत मोडकळीस आल्यामुळे या ठिकाणी आमच्या मुलांना धोका आहे, म्हणून या ठिकाणी हे जे 2 सर्व शिक्षण अभियानांतर्गत बांधलेल्या इमारती खोल्या आहेत आणि ऑफिस याच ठिकाणी आम्ही 4 वर्ग भरवतो। तसंच हे जे मैदान आहे या ठिकाणी विद्यार्थ्यांना खेळायसाठी ते मैदान गवतामुळं खूप म्हणजे पावसामुळं हे झालेलं आहे आणि शाळेकडं मागच्या 2 वर्षापासून कसल्या स्वरूपाचा निधी या ठिकाणी या कामासाठी नाही आहे। या शाळेत पहिल्यांदा आल्याबरोबर जी पाण्याची समस्या होती त्यासाठी एक नवीन टाकी या ठिकाणी बसवली, नवीन पाईपलाईन या ठिकाणी केली विद्यार्थ्यांसाठी, तसेच या ठिकाणी पूर्ण खराब भाग होता तर या ठिकाणीसुद्धा आपण सिमेंट कॉन्क्रीट करून ह्या इमारतीतसुद्धा डागडूज केली आणि ही इमारत जी आहे ही इमारत चांगल्या पद्धतीनं टिकावी कारण पुन्हा ती सुद्धा मोडकळीस येऊ नये याच्यासाठी मुख्याध्यापक स्तरावर मुख्याध्यापकाच्या जे काही ह्याच्यातून आहे त्यातून आपण या ठिकाणी निधी खर्च केला, पण वारंवार अशा स्वरूपाचा निधी आम्हाला खर्च करणं शक्य नाही कारण शेवटी या गोष्टीला मर्यादा आहे। म्हणून यावर्षी हे जे मैदानात गवत दिसतंय, मागच्या वर्षी या ठिकाणी आल्याबरोबर सगळं गवत वगैरे काढण्याचं काम आपण केलं होतं, पण यावर्षी आपल्याला ते काही शक्य झालं नाही। मागं त्याच्या परिसरातली जी नाली आहे सांडपाणी, तर ते सांडपाण्याचं सगळं जे काही विसर्ग आहे तो शाळेच्या मैदानात होतो पाठीमागे आणि या ठिकाणी वर्गखोल्या आहेत आणि या वर्गखोल्याला दुर्गंधी येते, ऑफिसमध्ये सुद्धा बसा वाटत नाही दुर्गंधीमुळं आणि या समस्या आमच्या महत्वाच्या, त्याच्यामुळे आरोग्य सुद्धा आमचं थोडंसं धोक्यात। कुल मिलाकर देखा जाय तो न सिर्फ शास्त्री नगर की इस स्कूल की बदहाली के लिए बल्कि शहर भर की तमाम पालिका स्कूलों की दुर्दशा के लिए नगर पालिका के शिक्षा विभाग की सुस्त कार्यप्रणाली और जनप्रतिनिधियों की उच्च कोटि की लापरवाही और उनकी उदासीनता के साथ ही इच्छा शक्ति की कमी भी एक बड़ी वजह है। आज हम दिगरज शहर के शास्त्री नगर की प्राथमिक मराठी शाला नंबर 6 में पहुंचे हैं। आप यहां पर देख सकते हैं कि जैसे मराठी शालाओं का या उर्दू स्कूलों का जो हाल हुआ है नगर पालिका की वो बद से बदतर हो चुका है। शास्त्री नगर स्कूल के बारे में हम कहा जाए तो ये क्रमांक 6 की जो स्कूल है ये एक समय पर शहर की सबसे बड़ी स्कूल हुआ करती थी, लेकिन आज यहाँ पर मात्र 42 स्टूडेंट यहाँ पर पढ़ाई करते हैं। यहाँ पर विद्यार्थी जो है सिर्फ 42 है और इन पर 2 शिक्षक यहाँ पर कार्यरत है। आप देख सकते हैं कि यहाँ की जो एक पुरानी इमारत थी वो अब ढहने लगी है। इसके पुनर्निर्माण के लिए यहाँ के जो स्कूल है यहाँ के मुख्याध्यापक ने नगर पालिका को इसके बारे में पत्र व्यवहार किया था, लेकिन अब तक उसको इनका कोई जवाब नहीं मिला है। इसी तरह से स्कूल के पीछे में एक नाली यहाँ से बहती है, शास्त्री नगर का गंदा पानी और यहाँ का जो एरिया है वहाँ का गंदा पानी उस नाली से बहता है और नगर पालिका के होनहार जो कर्मचारी है या इंजीनियर कह लीजिए या ठेकेदार कह लीजिए, उन्होंने एक बड़ा अद्भुत कारनामा किया है कि यहाँ पर जो नाली है उन्होंने स्कूल के बाहर से ना निकालते हुए उसको अंदर से निकाला है ताकि इसका जो गंदा पानी है वो पूरा यहाँ की स्कूल में बारिश के दिनों में फैलता है। इसके अलावा हम देख सकते हैं कि शास्त्री नगर में
यहाँ पर एक बड़ा सा ग्राउंड जिसे हम कहें मैदान यहाँ पर उपलब्ध है इस स्कूल के लिए, लेकिन उसकी हालत भी बेहद बद से बदतर हो चुकी है। यहाँ पर अनावश्यक रूप से घास उगाया है और जब बच्चे यहाँ खेलते हैं बारिश के दिनों में तो उन्हें सांप या बिच्छू काटने का भी डर हो सकता है और ऐसी गुंजाइश भी हो सकती है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से नगर पालिका का जो प्रशासन है और खास तौर से जो शिक्षा विभाग है उसने अपनी लापरवाही से मराठी उर्दू स्कूलों की इतनी बुरी अवस्था कर दी है। NBC न्यूज़ के लिए दिग्रस से जुबैर खान।